नमस्कार दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष की रिलीज के दिन नजदीक आ रहे। इस फिल्म में भगवान राम, सीता माता और रावण के रोल में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान है। फिल्म का नया गाना जय श्री राम राजा राम रिलीज होते ही छा गया है। इस गाने को अजय अतुल ने कंपोज किया है। गाने में प्रभास राम के अवतार में नजर आ रहे हैं। गाने के बोल मनोज ने लिखे। इस गाने को लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ रिलीज किया गया। अब यह वीडियो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो बन चुका है। लॉन्च के समय अजय अतुल ने बताया कि जब वह गाना लॉन्च कर रहे थे उस वक्त उनको जादुई शक्ति का एहसास हुआ था। अब इस गाने को YouTube पर पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखा जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार आदि पुरुष को 24 मिलियन व्यूज और 4 लाख लाइक्स मिले हैं, जिसमें कि अक्षय कुमार के गाने को क्या लोग तुम को पछाड़ दिया है। लॉन्च के वक्त गाने के बारे में बात करते हुए अजय ने कहा कि इस गाने की प्रेरणा गाने का नाम ही है। यह पहला गाना था जिसे हमने फिल्म के लिए कंपोज किया था। जब हमें फिल्म ऑफर की गई थी तब हमें इसके स्केल के बारे में बताया गया था। जब हम गाना कंपोज कर रहे थे तब जय श्री राम सुनते ही शक्ति और भक्ति अपने आप ही हमारे पास आ गई थी। अजय ने कहा कि यह पहली बार था जब हमारे गाने को इतने बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था और हम दर्शक की लाइव प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, जिसे देखकर हम चौंक गए थे। हम आभारी हैं कि हमें ऐसे एंथम बनाने का मौका मिला जो आने वाले सालों में लोगों के बीच गूंजता रहेगा। इस दौरान उन्होंने गीतकार मनोज का भी शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस फिल्म को लेकर बेसब्र हो गए। अब जय श्री राम गाने ने लोगों के एक्साइटमेंट को 4 गुना बढ़ा दिया है। ओम राउत निर्देशित इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान समेत कई स्टार्स नजर आने वाले हैं। आदि पुरुष 16 जून 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन रिलीज से कई महीने पहले से ही यह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। खूब सारे विवाद और ट्रोलिंग के बाद आदि पुरुष फिल्मी फैंस के बीच अपनी जगह में अब कामयाब होती दिख रही है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।